एक सिद्धांत और रहता है, वो आपको बता दो, हो सकता है जो सिद्धांत मैं कहूं वो फिर बाद में कांग्रेस के लोग भी कह देंगे हम भी तो इस सिद्धांत पर नहीं करते थे। अगर वो ये कह देंगे उस सिद्धांत पर नहीं करते तो आज उनको फिर कहना भी नहीं चाहिए कि यह बनाओ। कभी भी किसी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई चीज फिक्स है कीमत, उसका कानून नहीं बनाना चाहिए। कानून बन जाएगा तो फिर ये झगड़े शुरू होंगे कि 5 साल पहले इतने रुपए में खरीदने की बात कही थी, आज आप इससे ज्यादा इतने क्यों नहीं बढ़ाते हो, और फिर कभी कम बढ़ेगा कभी ज्यादा बढ़ेगा, ये विवाद हर साल का शुरू हो जाएगा। हमारा तो कहना यह कि परिस्थितियां ऐसी बनाओ कि एमएसपी पर किसान को एक भी दाना बेचना ना पड़े। मेरी बात समझ रहे? अगर उसको एमएसपी से ऊपर मिलेगा तो एमएसपी पर क्यों बेचेगा? अगर उसके पास विकल्प है, दो जगह मंडी, दो जगह ले जा सकता है, एक जगह एमएसपी के लिए, एक जगह एमएसपी से ऊपर, तो कहां जाएगा? ऊपर ही जाएगा, बाहर जहां बिकेगा, चाहे उसके खेत में से कोई खरीद ले जाए, चाहे प्राइवेट खरीदार अपना कोई मंडी में बुला, उसको अपने फैक्ट्री में बुला ले, कहीं मिल में बुला ले, कहीं बुला ले, ज्यादा भाव मिलना चाहिए। अगर एमएसपी से ऊपर मिलता तो वहां बेचो, उससे कम अगर हो जाए तो दौड़ करके मंडी में आ जाओ, हम खरीदेंगे, हमारी गारंटी। बाहर के लिए क्यों हम कानून बनाए? बाहर जब हम कहते हैं कि उससे ऊपर बेचे तो बेचो, वो जबरदस्ती थोड़ा ही ले रहा है आपका प्राइवेट आदमी। पहले आपके लिए बेचने के लिए एक दुकान थी, अब बेचने के लिए दो दुकानें हैं, तो हमने छूट दी है ना, कुछ रोका तो नहीं है? तो जो सिस्टम पहले चल रहे थे उसने से कुछ भी कम नहीं किया है, बल्कि एक्स्ट्रा आजादी दे दी किसान को कि हम कहीं भी बेचें।